हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MStudy यूट्यूब चैनल एंड स्वागत है आप सभी का द रिवोल्यूशन ऑफ डिजिटल एजुकेशन के क्रांतिकारी चैनल में। और दोस्तों, बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की। इस क्लास के अंतर्गत दोस्तों आपको 2019 के भी एक दो क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आगे आने वाली एग्जाम है जिसके अंतर्गत 2019 वर्ष के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने दोस्तों इस बार नोबल पुरस्कार को वन बाय वन क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं, तो वो लास्ट में देखने को मिलेंगे। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 किस विषय वस्तु पर तैयार किया गया। दोस्तों, बजट को किसी ना किसी विषय वस्तु पर तैयार किया जाता है, और इस साल 2020-21 की बजट की जो थीम रही है वो है जीवन को सरल बनाने। जीवन को सरल बनाना है दोस्तों, तो जीवन को सरल बनाने के लिए बजट आपके महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। जीवन को सरल बनाना ये थीम है दोस्तों। ये बजट क्या है, ये एक प्रकार की रिपोर्ट है दोस्तों, वार्षिक रिपोर्ट जो कि वित्त मंत्री के द्वारा पेश की जाती है, और इसमें सरकार की आय और व्यय का पूरा आकलन किया जाता है। इस बार केंद्रीय बजट 2020-21 तीन विषय पर आधारित है। पहला विषय है उम्मीदों का भारत, दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और तीसरा है केयरिंग समाज। मतलब बजट समाज का भी निर्माण करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है। और दोस्तों, इस साल की जो कंप्लीट और थीम थी वो थी जीवन को सरल बनाने की, वो विषय वस्तु थी इस साल के बजट की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से बाहर होने वाला पहला देश बन गया है। दोस्तों, देश है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, ये भी एक समूह है दोस्तों। चार प्रांतों से मिलकर के ये समूह बना है। पहला है इंग्लैंड, दूसरा है नॉर्थन आयरलैंड, तीसरा है स्कॉटलैंड और चौथा है वेल्स। ये चारों मिलकर के यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन का निर्माण करते हैं, जिसने 31 जनवरी को औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी है। और 2016 में एक जनमत संग्रह हुआ था, उसके अंतर्गत यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए समर्थन दिया गया था, और 47 वर्ष तक यूरोपीय संघ का सदस्य रहा है ब्रिटेन देश। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण की बैठक दोस्तों जस्ट बजट पास होने से पहले होती है, और उसके अंतर्गत इस साल 2020-21 विकास दर का अनुमान 6% गया है, जो कि दोस्तों लास्ट ईयर पिछले साल मौजूदा वित्त वर्ष जो चल रहा है उसके अंतर्गत 5% इसकी उम्मीद जताई गई थी। और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण किया था बजट से एक दिन पहले। जैसा कि मैंने बताया था आपको, प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले वर्ष का पूरा आर्थिक ब्यौरा पेश किया जाता है, और इस साल आर्थिक सर्वेक्षण की जो थीम थी वो थी धन सृजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला है, देश में अपनी तरह की पहली फ्रूट ट्रेन को कहां से रवाना किया। इसे फ्रूट मेल भी कहते हैं। इसको दोस्तों ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था। ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से ये 980 मैट्रिक टन फ्रूट ले जाएगी मुंबई के जवाहरलाल पोर्ट के ऊपर, और ये दोस्तों अनंतपुर जिले से शुरू होगी जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। बाकी सारी जानकारी आपको कंप्यूटर जी दिखाएंगे। अनंतपुर जिले में मैंने बता दिया है, ये ट्रेन 30 जनवरी को शुरू हुई थी, और फ्रूट ट्रेन जिसको मेल भी कहा जाता है, और इसमें 980 मैट्रिक टन केले मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भेजे गए, जहां से ईरान इन्हें भेजा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाली दुनिया में पहली रेल किस देश की होगी। तो देश होने वाला है भारत देश। स्वच्छ ऊर्जा से चलना मुख्य मुद्दा क्या है स्वच्छ ऊर्जा से। वैसे 350 की स्पीड से चलने वाली ट्रेन चीन बनाने वाली है, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन भारत में होगी, और ऐसी रेल बन जाएगी जो पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा से चलेगी। 10 साल में खपत की दोगुनी से अधिक 10 गीगावाट सौर एवं पवन ऊर्जा का उत्पादन करने लगेगी। तो ट्रेन से भी दोस्तों आपको ऊर्जा मिलने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आम बजट 2020-21 में 5 से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर आयकर कितना देना किया गया है। पहले दोस्तों ज्यादा था, इसके बारे में वन बाय वन मैं बताता हूं। पहले 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई भी आय नहीं देना पड़ रहा था, लेकिन अब उसकी सीमा बढ़ा करके कर दी है 5 लाख रुपए।
5 लाख रुपए कर दी है। और जो दोस्तों आपको पहले दिखाऊं, आप पूरी डिटेल दिखाऊं, जो दोस्तों आपको 5 से 7.5 लाख रुपए आय पर 20% देना पड़ता था टैक्स, उसको 10% कर दिया है। 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक पे आपको 20% की बजाय अब 15 ही देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि 20 का 10 कर दिया, 20 का 7.5 लाख से 10 के ऊपर 15% कर दिया है, 10 से 12.5 लाख रुपए तक के लिए 20% टैक्स कर दिया है, और 12.5 से 15 लाख तक के 30 की बजाय 25 कर दिया है। 15 लाख रुपए से अधिक वालों को 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो, इसको नए मैटर को अपन याद करते हैं, और नए मैटर को याद करने का मतलब है 5 से 7.5 10% देना पड़ेगा, 7.5 से 10 15% देना पड़ेगा, 10 से 12.5 20% देना पड़ेगा, 12.5 से 15 25% देना पड़ेगा, 15 से ऊपर वालों को 30% देना पड़ेगा। तो बड़े अच्छे से याद रख सकते हैं, इसमें मोस्टली क्वेश्चन बन सकता है 5 से 7.5 लाख रुपए तक की आय वालों को अब 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, अजय बिसारिया किस देश के उच्चायुक्त बन गए हैं? तो दोस्तों वो देश है कनाडा। पहले ये पाकिस्तान के थे, लेकिन इस्लामाबाद से बहिष्कृत किए गए थे। तो इनके बारे में इनकी फोटो भी देखते हैं। अजय बिसारिया जो कि कनाडा उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, और श्री बिसारिया पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त के रूप में सेवानिवृत्त थे, लेकिन 2019 में इस्लामाबाद द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद वे भारत लौट आए। कनाडा की राजधानी ओटावा, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, मुद्रा है कनेडियन डॉलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों वैसे जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, वैसे गांधी जी की जयंती के उपलक्ष पे भी मनाया जाता है। कुष्ठ रोग निवारण हेतु मतलब ये एक थीम चलाई गई है कि कोई भी व्यक्ति कुष्ठ से बीमार ना रहे, उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो हाथ मिलाएं कुष्ठ मिटाएं, ये भी इसकी थीम है। वैसे इस बार 2020 की जो थीम थी वो थी लिपोर्सी। लिपोर्सी इजंट व्हाट यू थिंक, मतलब ये लिपोर्सी का मतलब कुष्ठ रोग से ही है यहां से, और ये इस साल की थीम रही है। वैसे जनवरी 30 को भी ये दोस्तों मनाया जाता है, कभी रविवार को मनाया जाता है लास्ट जनवरी का। जब पहले दिन इसे फर्स्ट बार मनाया गया था तब जनवरी का अंतिम रविवार था, उस दिन 30 जनवरी थी, तो उसी हिसाब से अंतिम रविवार को हर साल इसे मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन है? तो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं, वाई के जोशी, जिनको इस तरीके से याद रख सकते हैं अपन, वाई के जोशी, और जिनकी आपको नीचे फोटो भी देखने को मिलेगी। दोस्तों जनरल जोशी ने ऑपरेशन विजय और पराक्रम में 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल की कमान संभाली थी। कारगिल युद्ध के दौरान भी उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान किया था इन्होंने। भारतीय सेना में सैन्य दल रेजिमेंट प्रणाली है, लेकिन यह बुनियादी क्षेत्र गठन विभाजन के साथ संचालन और भौगोलिक रूप से 7 कमान में विभाजित है। तो उसमें से दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? तो वायरस है कोरोना वायरस, जो कि चीन के अंतर्गत आपने काफी मैसेज वगैरह भी सुना होगा, कोरोना वायरस, जिसके अंतर्गत दोस्तों 213 मौतें हो गई है और 19 देशों के अंदर ये रोग फैल गया है, 100 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। और ये WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत है, इसने दोस्तों चीन में फैले कोरोना वायरस को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय आपदा स्थिति की घोषणा कर दी है। तो बच के रहे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला है, किस देश की क्रिस्टिन सिंक्लेयर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई है? देखिए खिलाड़ी का नाम पहले से ही है, लेकिन यहाँ पर देश का नाम पूछा है, और देश है कनाडा। कनाडा फुटबॉल टीम की कप्तान है, जिन्होंने अपने कैरियर का 185वां गोल कर अमेरिका की एबी वेमबेक के 184 गोल को पीछे छोड़ दिया है। नाम है क्रिस्टिन सिंक्लेयर, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, दिव्यांगजन और किस आयु के मतदाताओं के लिए मतदान के लिए डाक मत पत्रों की व्यवस्था की है? तो दोस्तों वो उम्र है 80 वर्ष से अधिक की। वैसे आपको पता होगा कि सेना में जो काम करने वाले, चुनाव के अंदर ड्यूटी लगने वाले
उन सबको डाक मतपत्र जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिन्हें किन्हीं कारणों से मतदान केंद्र तक पहुंचने वाले मतदाता अपना वोट डाल नहीं सकते, तो वो इस पोस्टल बैलेट के जरिए अपना मत प्रदान कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा ये घोषणा की गई है। दिल्ली का चुनाव, विधानसभा चुनाव, वो पहला चुनाव है जिसके अंतर्गत 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग इस बार इस योजना का लाभ उठाने वाले हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई थी। पोस्टल बैलेट पेपर जो किस प्रकार का दिखता है उसकी इमेज भी मैंने लगाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बन गया है? तो दोस्तों वो देश है मालदीव देश। पहले भी था ये, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण इसको बहिष्कृत कर दिया था, लेकिन अब ये 54वां सदस्य बन गया है। और इससे पहले मालदीव एक 1982 में राष्ट्रमंडल का सदस्य था, लेकिन भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के विरोध में 2016 में तात्कालिक राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने राष्ट्रमंडल से अलग होने का फैसला किया था। मालदीव की राजधानी माले, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद साले और मुद्रा है मालदीव रुफिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला है दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने क्वींस काउंसिल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारत के वकील है हरीश साल्वे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने क्वींस काउंसिल के लिए हरीश साल्वे को नियुक्त किया है, कि भारत के जाने माने वकील है, बड़े बड़े केस लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के, उसके अलावा सलमान खान, शाहरुख खान, और इन्होंने दोस्तों अपने जो पाकिस्तान के कुलभूषण थे उनका भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और भारतीय वकील जो महारानी एलिजाबेथ के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं, और इंग्लैंड में वेल्स की अदालतों के लिए रानी हमेशा मतलब इस प्रकार के वकालत और वकालत से संबंधित लोगों का सिलेक्शन करती रहती है। तो इस साल दोस्तों उन्होंने वकील का खिताब अपने हरीश साल्वे जी को मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता? तो उनका नाम है दोस्तों सोफिया केनिन। सोफिया केनिन ने ऑस्ट्रेलियन मेलबोर्न के अंतर्गत ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला वर्ग का सिंगल का खिताब जीता है। 14वीं वरीयता प्राप्त केनिन ने पहली बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ग्रैंड स्लैम टेनिस का खिताब है, मेजर भी कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन मई जून में, उसके अलावा विलमडन, ये विमल्डन है जो जून जुलाई के आसपास घास में होता है, तथा यूएस ओपन अगस्त सितंबर में हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है। तो अलग अलग प्रकार की टूर्नामेंट है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला है, सक्सेस ने पहली बार पार किया है किस स्तर को? वो स्तर आपसे पूछना चाह रहा है, तो दोस्तों वो स्तर है 42,000। 42,000 इस साल का उच्चतम स्कोर है जो कि सक्सेस ने प्राप्त किया है। 16 जनवरी 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार ये आंकड़ा छुआ है दोस्तों। इसका उच्चतम स्कोर है BSE, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। 30 प्रमुख कंपनियां शामिल है और इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1986 को हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोवा राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या बनाया गया? तो दोस्तों बुलबुल रूबी गुला के द्वारा गोवा के अंतर्गत 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ पणजी के अंतर्गत। इसके अंदर शुभंकर गर्दन पर नो लो निशान वाला बुलबुल रूबीला बनाया गया। 36वें राष्ट्रीय खेल 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक आयोजित होंगे। बाकी सारी जानकारी मैं कई बार बता चुका हूं। पणजी राजधानी है, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री है, सत्यपाल मलिक है जो गवर्नर है। जनवरी 2020 में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेले का आयोजन कहां आरंभ हुआ? तो दोस्तों वो आरंभ हुआ अरुणाचल प्रदेश। परशुराम कुंड है लोहती नदी के निचले हिस्से पर, वहां पर इस मेले का आयोजन किया गया। संक्रांति, मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। ईटानगर राजधानी है, पेमा खांडू है वो मुख्यमंत्री है, BD मिश्रा जी है गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में किस अनुच्छेद के तहत अधिकार दिया है इंटरनेट का अधिकार? 19वें अनुच्छेद के तहत दिया गया है। इंटरनेट का अधिकार है वो मौलिक अधिकारों के तहत आता है, जिसके अंतर्गत दोस्तों अभिव्यक्ति की आजादी है, असहमति को दबाने के लिए निषेधाज्ञा का अनिश्चित काल तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये मूल अधिकार है जो 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है,
जिसके अंतर्गत इंटरनेट सेवा मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? तो श्यामा प्रकाश जी मुखर्जी है, जिन्होंने बीजेपी आरएसएस के माध्यम से बीजेपी की स्थापना की थी, भारतीय जनसंघ, और जिसे आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में जाना जाता है, जिनको दोस्तों कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर उनका नाम रख दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जनवरी 2020 में साई इंग वेंग किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो वो देश है दोस्तों ताइवान देश। ताइवान देश के राष्ट्रपति के रूप में साई इंग वेन राष्ट्रपति चुने गए हैं। ताइपे राजधानी है, न्यू ताइवान डॉलर इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। मिलन 2020 विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ गया था, जिसमें नौसेना ने बहुपक्षीय युद्धाभ्यास किया था, और ये व्यापारिक मुद्दे नेवल आदि के अंतर्गत भी बहुत अपना अहम योगदान दिया इन्होंने, और बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास था जिसके अंतर्गत बहुत सारे देशों की नौसेना ने हिस्सा लिया था। विशाखापट्टनम के अंतर्गत मिलन 2020 नेवल बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये दोस्तों नोबेल पुरस्कार से संबंधित है, जिनको अक्टूबर माह में घोषणा की थी, और शांति का पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो के अंतर्गत दिया गया था। शांति के अंतर्गत दोस्तों नोबेल पुरस्कार, पहला क्वेश्चन है ये, तैयार करिए आप, जरूर आपको देखने को मिलेगा। 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया गया था। शांति के अंतर्गत इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार किस वजह से दिया गया? उनके देश के चिर शत्रु इट्रिया के साथ संघर्ष को सुलझाने के लिए दिया गया था, इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद। अगला है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल गोल कीपर पुरस्कार से नवाजा गया था, बिल एंड मेंडिला गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, जिसके संस्थापक है बिल गेट्स, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति माने जाते हैं, जिन्होंने 25 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री जिनको स्वच्छ भारत के अभियान के तहत ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को यही रोकते हैं, मिलते हैं कल फिर पुनः। और अपने चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें। इसी के